Hello dear students of third grade, today I will discuss with you the fifth chapter of SST, that is our food. Before we start the lesson, kindly go through the pages of your textbook which is on the screen. In this topic, we will basically study about the food items grown and eaten in different parts of the country, the popular dishes of some states, the transportation of food items. India, being a big country, has varied landforms. As we already discussed in last previous chapters, India is a big country and there are so many landforms such as plateau, plains, mountains, hills, etc. Its climate and soil vary from place to place. Due to these differences, people in our country grow different type of crops. Generally, people eat those food items which are grown in their areas. So, in this paragraph, they say, due to various landforms, the climate of India and soil of India vary from place to place. It is very different. And due to these differences, जो लोग हैं वो अलग अलग फसलें उगाते हैं और ज़्यादातर वही food items खाते हैं जो उनके area में ज़्यादातर उगाई जाती है. Let us learn about different food items grown and eaten in different parts of the country. So let us read about the different states of the nation. First one is food grains and pulses. The main food grains are wheat, rice, maize, jowar and bajra. They are called cereals. जो सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं वो है वीट, राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा. पीपल ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश जनरली ईट वीट. इन राजस्थान पीपल ऑल्सो ईट ज्वार एंड बाजरा. जो लोग हरियाणा स्टेट के हैं, पंजाब के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के, वो ज़्यादातर वीट जो है वो खाते हैं और जो राजस्थान के हैं वो ज्वार और बाजरा. पीपल इन द साउथर्न स्टेट्स, जो साउथ में पाए जाते हैं स्टेट्स, उन स्टेट्स के जो लोग हैं, द ईस्टर्न स्टेट लाइक बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड केरला प्रेफर राइस. तो वो ज्यादातर राइस खाते हैं. नेक्स्ट पेज, पीपल इन द कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज मीन्स जो समुंदर के पास होते हैं. ईट फिश एंड राइस, तो वो ज़्यादातर फिश खाते हैं, राइस खाते हैं. बिसाइड सीरियल्स पीपल ऑल्सो ईट पल्सिस. पल्सिस आर पॉपुलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो जो पल्सिस हैं, दालें हैं, वो ज़्यादातर हर एक पार्ट में, हर एक स्टेट में पॉपुलर हैं. राजमा, अरहर, उड़द, मूंग एंड मसूर आर इम्पोर्टेंट पल्सिस. Vegetables and fruits. Our country produces a large variety of vegetables and fruits. In fact, India is the second largest producer of vegetables in the world. All types of vegetables are not available throughout the year. We eat different type of vegetables in different seasons. In this paragraph, they say कि जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, वो बहुत सारे वेजिटेबल, सब्जियां और जो फ्रूट्स, फल हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, उगाते हैं, ग्रोन करते हैं. इन फैक्ट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट. जो भारत है हमारा देश, वो दूसरा सबसे बड़ा देश है सब्जियों की पैदावार में. ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, हर प्रकार की जो सब्जी है वो हर साल, पूरा साल तो उगाई नहीं जाती, इसलिए वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स इन डिफरेंट सीजन. तो वी ऑल्सो वी हैव टू ग्रो डिफरेंट वेजिटेबल्स इन डिफरेंट सीजन सच एज विंटर, समर, बसंत एटसेट्रा. सिमिलरली फ्रूट्स आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. सिमिलरली एज सुन लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर ऑल्सो नॉट ग्रोन इन होल द ईयर. फॉर एग्जाम्पल, मैंगोज ग्रोन इन समर एंड वाइल्ड ग्रेप्स ग्रोन इन विंटर. जो ग्रेप्स हैं वो विंटर में होते हैं और जो मैंगोज हैं वो समर में होते हैं. सम स्टेट्स आर फेमस फॉर पार्टिकुलर फ्रूट्स. जो कुछ स्टेट्स हैं वो अपने पार्टिकुलर फ्रूट्स के लिए फेमस हैं, पॉपुलर हैं. हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर एप्पल्स. एचपी जो हिमाचल प्रदेश है वो एप्पल्स के
पैदावार के लिए फेमस है। इट इज ऑफन कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसको एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नागपुर इन महाराष्ट्र इज कॉल्ड द सिटी ऑफ ऑरेंजेस। कश्मीर इज फेमस फॉर चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज। लद्दाख इज फेमस फॉर एप्रिकॉट्स। पाइन एप्पल्स आर ग्रोन इन असम, गोवा एंड केरला। बिहार इज फेमस फॉर लीची एंड रत्नागिरी। इन महाराष्ट्र फॉर अल्फोंसो मैंगोज। सो हेयर दे मेंशन सो मेनी स्टेट्स विद देयर पॉपुलर फ्रूट्स, जो हिमाचल प्रदेश एप्पल्स, नागपुर ऑरेंजेस, कश्मीर चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज, लद्दाख एप्रिकॉट्स, पाइन एप्पल्स, कौन सी स्टेट में, असम गोवा और केरला में, बिहार लीची, रतनगिरी, महाराष्ट्र अल्फोंसो मैंगोज। हेयर वी कैन सी पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट वन इज स्पाइसेस एंड एडिबल ऑयल्स। इंडियन फूड हैज बिकम पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्पाइसेस वी यूज इन अवर फूड। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में इसलिए फेमस है क्योंकि जो इंडिया का खाना है वो ज्यादातर स्पाइसेस को यूज करके बनाया जाता है। सम ऑफ द कॉमन स्पाइसेस आर चिलीज, क्लोव्स, टर्मरिक, पेपर, कार्डामोम एंड कोरिएंडर। जो ये बहुत ही पॉपुलर स्पाइसेस है जो हम डेली नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज करते हैं, सब्जियों में, डिशेज में, डिफरेंट डिशेज में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिलीज हैं, क्लोव्स, लौंग जिनको हम बोलते हैं, टर्मरिक हो गई, हल्दी, पेपर, काली मिर्च, कार्डामोम, इलायची एंड कोरिएंडर, धनिया। द स्पाइसेस एड फ्लेवर, कलर एंड टेस्ट टू अवर फूड। तो ये स्पाइसेस जो है हमारे फूड में फ्लेवर अच्छा लाते हैं, इनकी सुगंध अच्छी हो जाती है, कलर लाते हैं और टेस्टी बनाते हैं। हेयर वी कैन से पिक्चर ऑफ कार्डामोम चिलीज एंड हेयर वी कैन से पिक्चर ऑफ क्लोव्स, लौंग, पेपर, काली मिर्च, टर्मरिक, हल्दी। What do you call these spices in your mother tongue? तो आप अपनी जो माँ बोली है उसमें, आप मातृभाषा है आपकी, उसमें आप इन spices को क्या बोलते हैं? हम इनको लौंग बोलते हैं, हल्दी, काली मिर्च, इलायची, धनिया। Indian food is usually cooked in oil. तो ज्यादातर जो इंडिया का फूड है वो ऑयल में कुक किया जाता है। Some popular cooking oils are घी, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड सीजम ऑयल। घी, जो देसी घी हम बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, कोकोनट, नारियल का तेल और सीजम तिल का, जो छोटे छोटे तिल होते हैं ना, उनका तेल। एंड द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अदर फूड आइटम्स। इंडियन पीपल लव टू ईट स्वीट्स। जो इंडिया के लोग हैं ज्यादातर मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। रसगुल्लास, गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी एंड जलेबी आर सम पॉपुलर इंडियन स्वीट्स। शुगर इज द मेन इंग्रेडिएंट इन मोस्ट स्वीट्स। तो ज्यादातर जो स्वीट्स हैं वो किस इंग्रेडिएंट से बनती हैं? शुगर इंग्रेडिएंट से। टी एंड कॉफी आर पॉपुलर बीवरेजेस इन इंडिया। जो टी और कॉफी हैं जो पॉपुलर बीवरेजेस में जो पीने के लिए होते हैं। टी इज मेनली ग्रोन इन असम एंड दार्जिलिंग। जो चाय है, चाय की पत्तियां ज्यादातर असम और दार्जिलिंग में उगाई जाती हैं। कॉफी इज ग्रोन इन कर्नाटका और केरला। तो कर्नाटका और केरला में जो कॉफी है वो उगाई जाती है। नेक्स्ट वन इज पॉपुलर डिशेज ऑफ सम स्टेट्स। स्पेशल डिशेज आर मेड ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स। तो हर एक ओकेजन में हम अलग अलग डिशेज बनाते हैं जो स्पेशल होती हैं हमारे लिए। सम स्टेट्स आर फेमस फॉर देयर स्पेशल डिशेज। तो हर एक स्टेट अपनी एक स्पेशल डिश के लिए फेमस है। लुक एट सम सच डिशेज एंड देयर स्टेट्स। हेयर वी कैन सी पिक्चर ऑफ ढोकला। ढोकला गुजरात के में फेमस है। पाव भाजी महाराष्ट्र में। दाल बाटी राजस्थान में। दाल बाटी चूरमा जिसको हम बोलते हैं राजस्थान में। सरसों का साग एज वी ऑल नो दैट इन पंजाब। इडली डोसा तमिलनाडु। एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टिंग फूड। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड वी ईट रीचेस अस। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हम खाना खाते हैं बाजार से लेके आते हैं वो हमारे तक कैसे पहुंचता है?
फूड आइटम्स आर रेगुलरली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर। तो हर रोज रेगुलरली जो है जो फूड आइटम्स हैं वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है उनको। द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स ऑन फार्म्स, जो किसान है वो इन फसलों को अपने खेतों में उगाते हैं। द फार्मर्स देन टेक देयर प्रोड्यूस टू द होलसेल मार्केट्स और मंडी, उसके बाद जब ये उग जाती हैं इनको फिर मंडी में ले जाते हैं सेल करने के लिए होलसेल मार्केट्स में। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय फ्रूट्स, जो शॉपकीपर्स हैं वेंडर्स जो रेडी वाले होते हैं तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल पल्सेस ग्रेन्स वहां से खरीदते हैं। वी बाय फूड फ्रॉम शॉप्स एंड वेंडर्स इन द मार्केट, और हम मार्केट में शॉप्स और वेंडर्स से फ्रूट्स लेते हैं। चैप्टर नंबर 5th इज कम्प्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एज वी ऑल नो दैट वी डिड इट एज अ रिटन असाइनमेंट इन असाइनमेंट नंबर 5। द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल, ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी राजमा। सो वीट और राइस आर मेन फूड ग्रेन्स, सो हियर वी कैन से राजमा, अरहर, उड़द, मूंग एंड मसूर आर इम्पोर्टेंट पल्सिस, पेज नंबर 32। सो राजमा इज अ पल्सिस नॉट अ सीरियल। द सेकेंड वन इज ज्वार एंड बाजरा आर जनरली ईटन इन, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान। हेयर ऑन पेज नंबर 31, इन राजस्थान पीपल ऑल्सो ईट ज्वार एंड बाजरा। पीपल लिविंग इन द डैश जनरली ईट फिश, ऑप्शन ए डिजर्ट्स, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी कोस्टल एरिया। हियर वी कैन सी ऑन अगेन पेज नंबर 32, पीपल इन द कोस्टल एरियाज ईट फिश एंड राइस। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोस्टल एरियाज। द फोर्थ वन इज विच वन इज अ पॉपुलर स्पाइसेस, ऑप्शन ए राजमा, ऑप्शन बी टर्मरिक, ऑप्शन सी मूंग। एज वी ऑलरेडी सीन इट ऑन पेज नंबर 32, राजमा और मूंग आर पल्सिस बट टर्मरिक इज अ स्पाइसिस। लास्ट वन, वी नीड डैश टू कुक फूड, ऑप्शन ए ऑयल, ऑप्शन बी यूज, ऑप्शन सी पेट्रोल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हियर वी कैन से इंडियन फूड इज यूजली कुक्ड इन ऑयल। द सेकेंड वन इज राइट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज पीपल इन द नॉर्थर्न स्टेट ईट वीट और एज रोटीज और चपातीस, इज इट फॉल्स और ट्रू? इज इट, इट इज ट्रू। सेकेंड वन इज इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स, इज इट फॉल्स और ट्रू? इट इज ट्रू। हेयर वी कैन से India is the second largest producer of vegetables in the world. Spices make our food tasty. It is true. Here we can say these spices add flavor, color and taste to our food. Pulses are eaten all over the country. Is it false or true? It is true. Here we can say pulses are popular in all parts of the country. And the next one is tea is mainly grown in Bihar. Is it false or true? It is false, because here we can see on page number 33, tea is mainly grown in Assam and Darjeeling, not Bihar. The third one is give two examples of each of the following fruits grown in summer. Mangoes and watermelon are grown in summer, fruits grown in winter, grapes and apple are grown in winter. And the next question is match the following columns. First column refers to dishes and second one is state. So we have to match the dishes with their states. Here we can see the pictures. With the help of these pictures, we solve the matching. Sarson ka saag, Punjab. Dhal bati, राजस्थान. मालपुआ, बिहार.
पाव भाजी महाराष्ट्र, ढोकला गुजरात, इडली डोसा तमिलनाडु. सो चैप्टर नंबर 5 इज कंप्लीटेड. आई होप सो स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 5. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.